गाइस, अगर आप भी ना जरकपुर जैसी प्राइम लोकेशन पर एक 3 BHK अफोर्डेबल अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज जिस फ्लैट का टूर मैं आपको करवाने वाली हूँ ये आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 43,90,000 में, और वो भी जरकपुर की प्राइम लोकेशन पर। तो वीडियो के खत्म होने का भी वेट मत करना, जल्दी जल्दी कॉल कर लो, क्योंकि इस फ्लैट में बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्रीज बची है हमारे पास। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट तरन्नुम, एंड गाइस आज मैं दोबारा हाजिर हो गई हूं आपके लिए एक नए फ्लैट की वीडियो लेकर, जिसका आज मैं आपको टूर करवाने वाली हूँ। तो ये जो आपका फ्लैट रहेगा ये रहेगा इन द साइज ऑफ 1450 square feet, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है जरकपुर की, एंड कनेक्टेड रहेगा आपके पटियाला चंडीगढ़ हाईवे के साथ। तो आइए गाइस चलते हैं बाहर से, शुरू करते हैं आज के हमारे फ्लैट का टूर। आइए, फ्लैट में एक्सेस करने के लिए आपके पास यहाँ पे स्टेयरकेस भी प्रोवाइडेड है एंड लिफ्ट भी रहेगा। गाइज, लो राइज के कंसेप्ट के साथ ये फ्लैट्स आपको मिल रहे हैं एंड विद लिफ्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो यहाँ रहेगा हमारा अपार्टमेंट। उससे पहले मैं बता देती हूँ, एक फ्लोर पे आपके 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे, एक आपका इस साइड एंड एक आपका इस साइड। तो यहाँ है हमारा आज का सैम्पल अपार्टमेंट, आइए चलते हैं अंदर। सो गाइज, ये रहेगा आपका मेन डोर, वुडन का डोर मिल रहा है आपको यहाँ पे, काफ़ी ब्यूटिफुल। एंड देन जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे, इस तरफ रहेगा आपका डाइनिंग स्पेस, आपका किचन एंड योर ड्राइंग एरिया। तो आप देख लीजिए काफ़ी ब्यूटीफुली इन्होंने डेकोरेट कर रखा है पूरा ही ड्राइंग एरिया, जहाँ पे आप ये सोफ़ा देख सकते हैं, लाइक 8 सीटर यहाँ पे इन्होंने ऐड करके रखा है। पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्लास वॉल आप देख सकते हैं, जिसमें पूरा मिरर वर्क आ जाएगा, पूरी रिफ्लेक्शन आप घर की देख सकते हैं उसमें। एंड गाइस, इसका ये फ़ायदा है, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, कि मिरर का यूज़ अगर आप अपने घर में करेंगे ना, तो वो आपके घर को बहुत ही स्पेशियस एक लुक दे देता है, क्योंकि सब चीज़ों की रिफ्लेक्शन आप उसमें देख सकते हो, आपको बंद बंद बिल्कुल भी फील नहीं होता है। तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा स्पेस के साथ आ जाता है, मतलब एक नॉर्मल सिटिंग आप यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं विद LED लाइट, सारा आपका एज इट इज़ रहने वाला है, बहुत ही ब्यूटिफुल सा। जैसे कि आप बीच में ये शैंडलर देख रहे हैं ना, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, तो आप भी ऐसा कुछ अपने अपार्टमेंट में कर सकते हैं। यहाँ रहेगा डाइनिंग स्पेस, यहाँ पे राउंड टेबल इन्होंने एडजस्ट कर रखा है विद 4 चेयर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है। अगर आप यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल इंस्टॉल करना चाहते हैं आप ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपकी यहाँ पर ना आपको एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे इन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुल सा पूजा स्पेस काइंड ऑफ यहाँ पे एक चेस्टर ऐड करके बना दिया है। तो अगर आप चाहेंगे तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं वुडन वर्क के साथ, अगर कुछ और करना चाहे, कोई और क्रिएटिविटी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लाइक स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड आफ्टर दैट, तो गाइज ये आपका फुली मॉड्यूलर किचन रहने वाला है। स्पेसिफिकेशंस आप देख लीजिए, अपर कैबिनेट्स आ जाएंगे आपके काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ। यहाँ पे आ जाएगा आपकी चिमनी के लिए स्पेस, एंड यहाँ रहेगा आपका कुकिंग काउंटर, जहाँ पे आप अपना हॉब प्लेस कर सकते हैं, पूरा ग्रेनाइट का वर्क आ जाएगा इसके ऊपर। इस साइड पे आप कैबिनेट्स देख सकते हैं, एंड देन इस साइड भी आपका एक स्लैब आ जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं नीचे, इसमें भी आपके डिफरेंट कैबिनेट्स आ जाएंगे। एंड गाइस, जो आपकी लोअर कैबिनेट्स है ना, वो डिफरेंट साइज में आपको मिल रहे हैं एंड विद सॉफ्ट क्लोजर आपके आ जाएंगे, देख सकते हैं आप डिफरेंट साइज के कैबिनेट्स मिल रहे हैं आपको। एंड यहाँ रहेगा आपका ड्रिल सिंक, जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हो, एंड काफ़ी बड़ा विंडो प्रोवाइडेड है लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए। कभी भी खाना बनाएंगे तो जैसे हम तड़का वगैरह लगाते हैं ना, तो काफ़ी दिक्कत होती है, तो आपको वो नहीं होगी क्योंकि काफ़ी बड़ा विंडो आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो गाइज, नाउ वी आर ऑल डन विद आवर ड्राइंग, डाइनिंग एंड आवर किचन। अब चलेंगे रूम्स की तरफ, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके 3 बेडरूम्स हैं एंड आपका जो ये ड्राइंग पार्ट है, इसकी जो वॉल आ जाएगी इस पर आप वॉलपेपर चूज़ करा सकते हो, अपनी मर्ज़ी का वॉलपेपर लगा सकते हो, ये आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है विद द परचेज। तो अब चलेंगे रूम्स की तरफ। फर्स्ट बेडरूम यहाँ पे रहेगा आपका एंड 2 बेडरूम्स यहाँ पे रहने वाले हैं। पहले हम फर्स्ट वाला चेकआउट करेंगे, आइए। सो गाइज, ये आएगा आपका फर्स्ट बेडरूम, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ मिल रहा है।
बेड देख सकते हैं आप बीच में, सेंटर में बेड आ जाएगा। उसके बाद इतना स्पेस है कि आप साइड टेबल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। पीछे जैसे कि मैंने आपको बताया, आप वॉलपेपर चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, तो ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैम्पल फ्लैट है क्योंकि, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पैनल वर्क यहाँ पे करवा रखा है, तो आप भी आइडियाज़ ले सकते हैं कुछ ऐसा अपने रूम में कर सकते हैं। रूम के साथ आपको वॉशरूम एंड बालकनी अटैच मिल जाएगा, तो पहले वॉशरूम चेकआउट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट वॉशरूम आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड। फुल वॉल लेंथ पे आपकी टाइलिंग रहेगी, फ्लोरिंग सारा इंटीरियर रहने वाला है। एंड जो आप फिटिंग्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपका सीट आ जाएगा, आपका बेसिन है, ये सारी आपकी ब्रांडेड फिटिंग्स रहने वाली है। देन यहाँ पे आ जाएगी हमारी बालकनी, आइए। सो गाइज, ये रहेगी बालकनी आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। 6 फीट वाइड बालकनी मिल रही है, स्पेस देख लीजिए। एंड फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ आपका रेलिंग भी काफ़ी अच्छी हाइट के साथ आ जाएगा। गाइज, ये जो आपको फ्लैट्स आज मैं दिखा रही हूँ, ये टोटल यूनिट्स जो है वो रेडी टू मूव है। सामने जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइक लोगों ने यहाँ पे रहना भी शुरू कर दिया है, उनको अपने घर का पोजीशन भी ऑलरेडी मिल चुका है, लोग अपना घर सेट कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे। तो अगर आप भी रेडी टू मूव यूनिट सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए है, जल्दी जल्दी बुक कर लो। सो गाइज, ये थी हमारी बालकनी। एंड इसी रूम में सामने वाली वॉल यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है फॉर द LED पैनल। अगर आप चाहेंगे आप कुछ वैसा भी क्रिएट कर सकते हैं, या इस तरीके का भी कुछ डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ ले सकते हैं, यहाँ पे अपना LED प्लेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे सैम्पल फ्लैट से अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब चलेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम में, आइए। सो गाइज, ये आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम। ये बेडरूम आपके फर्स्ट बेडरूम से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है इसमें। पीछे का वॉल अगर आप देखेंगे, सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉलपेपर आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपका वॉलपेपर आ जाएगा। बीच में आप पैनलिंग देख सकते हैं, आपका बेड इंस्टॉल है, उसके बाद भी आपके पास साइड टेबल्स के लिए जगह बच रही है। एंड वहाँ पर आपके कपबोर्ड्स भी इंस्टॉल्ड हैं, लाइक इतना स्पेस आपको रूम में मिल जाता है। यहाँ पे रहेगा अटैच वॉशरूम, पहले वॉशरूम देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा वॉशरूम, एंटिस्किट सारी फ्लोरिंग रहने वाली है, वुडन टेक्सचर की फ्लोरिंग मिल रही है आपको। फुल वॉल लेंथ पे टाइलिंग रहने वाली है, शार आपका टैब सारे प्रोवाइडेड रहेंगे आपको। एंड यहाँ पे बेसिन, सीट आपका, लाइक सारी ब्रांडेड फिटिंग्स आपकी रहने वाली हैं। एंड एग्जॉस्ट एंड गीजर के लिए आपको प्रोविजन मिल जाएंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको मिल जाता है विंडो फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन, क्योंकि यहाँ पे पीछे आपका यूटिलिटी एरिया आ जाएगा जिसका एक्सेस आपको थर्ड बेडरूम से रहेगा, तो वो मैं वहाँ से दिखाऊंगी। यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रंट वॉल, जहाँ पे आप यहाँ पे पैनल देख सकते हैं, आप भी कुछ ऐसा लगा सकते हैं एंड अपना LED यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएंगे आपके कपबोर्ड्स, तो स्पेस देख लीजिए, स्लाइडिंग डोर के साथ आपको मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आ जाएंगे। ऊपर भी आपको स्पेस मिल जाएगा अगर आप अपना सामान स्टोर करना चाहते हैं। एंड देन उसके साथ यहाँ पे आपका ड्रेसिंग टेबल भी रहने वाला है विद मिरर। नीचे आपकी कैबिनेट्स आ जाएंगे जिसमें आप अपना मेकअप, वैनिटी वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। गाइस, एक और चीज़ बता देती हूँ कि आपका जो फॉल सीलिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो भी सारा आपका एज इट इज़ रहने वाला है विद द प्रॉपर लाइटिंग। आप चलेंगे थर्ड बेडरूम में। सो गाइज, ये आ जाएगा आपका थर्ड बेडरूम, आपके सेकेंड बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम का सेम साइज़ रहने वाला है, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ मिल जाता है ये भी। बेड आ जाएगा आपका, साइड टेबल्स हैं, देन वहाँ पे आपकी कबर्ड्स आ जाएंगे। पीछे आप वॉलपेपर यहाँ पे देख सकते हैं वॉल के ऊपर, जो आप अपनी मनपसंद का मिल जाएगा। पैनलिंग आ जाएगी जो आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं, अगर आप भी चाहेंगे अपने रूम में करवाना तो कुछ इस तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं। फॉल सीलिंग विद LED लाइट्स एज इट इज़ रहने वाला है रूम। यहाँ आ जाएगी आपकी AC की डक्टिंग। एंड यहाँ रहने वाला है वॉशरूम एंड देन योर यूटिलिटी सेक्शन। तो पहले वॉशरूम देख लेते हैं। सो गाइज, ये आ जाएगा वॉशरूम, पूरा वॉल आप देख सकते हैं। गाइज, पहले तो आप ये टाइल्स देखिए, काफ़ी बड़े साइज की टाइल वॉल पे इन्होंने लगा रखी है, जो काफ़ी अच्छा फिनिश लुक दे दिया वॉल्स को। फुल हाइट का टाइलिंग मिल रहा है आपको वॉल्स पे। एंटीस्किट सारा आपका फ्लोरिंग आ जाएगा। यहाँ पे जो आप बेसन देख रहे हैं, आपका सीट आ जाएगा, सारी आपको ब्रांडेड फिटिंग्स मिलने वाली हैं। गीजर एंड एग्जॉस्ट का प्रोविज़न आपको यहाँ भी रहेगा।
एंड आफ्टर दैट यहाँ आ जाएगा हमारा यूटिलिटी सेक्शन। तो गाइस ये आ जाएगा यूटिलिटी सेक्शन, मतलब काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप अपना वॉशिंग वगैरह की एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हो, अपना वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे रख सकते हो, कपड़े वगैरह वॉश यहाँ पे कर सकते हो, लाइक आपकी घर के यहाँ जितनी भी वॉशिंग वाली चीज़ें होती हैं वो सारी आप यहाँ पे कर सकते हो, इतना स्पेस आपको मिल रहा है यहाँ पे। सो आफ्टर आर यूटिलिटी एरिया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सामने वाली वॉल आ जाएगी आपकी, जिस पे LED पैनल ने लगा रखा है यहाँ पे, अगर आप चाहेंगे ऐसा भी कुछ कर सकते हो या सिंपल LED भी लगा सकते हो, कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट इस साइड अगर हम आएंगे तो यहाँ पे रहेगा आपके कबर्ड्स, स्पेस देख लीजिए काफ़ी अच्छे कबर्ड्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, काफ़ी अच्छा स्पेस है, नीचे भी स्पेस आ जाएगा, ऊपर भी स्पेस रहने वाला है, देन यहाँ पे भी आपको एक यूनिट मिल जाता है। एंड आफ्टर दैट गाइज यहाँ पे मिल रही है आपको एक ऐसी चीज़ जो हर एक को अपने रूम में चाहिए होती है, इतना बड़ा मिरर मिल रहा है आपको यहाँ पे जिसमें आप पूरा चेकआउट कर सकते हो खुद को, लाइक ये मस्ट है चीज़ कि आपके रूम में होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी मिल रही है गाइज। सो ये था हमारा थर्ड बेडरूम। सो गाइज हमारे सैम्पल अपार्टमेंट का टूर तो कम्प्लीट हो चुका है, अब मैं आपको लेके चलूँगी एक्चुअल अपार्टमेंट में, जहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे ना सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलने वाली हैं, मतलब जैसा अपार्टमेंट आप देखेंगे वैसा अपार्टमेंट आपको हैंड ओवर किया जाएगा जब भी आप यहाँ पे अपार्टमेंट परचेज करते हैं। तो आइए, सो गाइस ये आ जाएगा आपका एक्चुअल अपार्टमेंट जो आपको एज इट इज हैंड ओवर किया जाएगा। हाँ अगर आप वॉलपेपर चेंज कराना चाहें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपनी मर्जी का लगा रखा है। तो ये आपका ड्राइंग पार्ट आ जाएगा जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, आपका पूरा सोफा वगैरह सेट था, बट वहाँ पे आपका सारा फर्नीचर इंस्टॉल था, तो आपको स्पेस का आइडिया लग गया होगा, लाइक काफ़ी भरा भरा लगता है हमें घर, बट एक्चुअल जो चीज़ मिलनी है वो भी तो दिखानी बनती है ना, तो ये आपको एक्चुअल चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है, इतना स्पेस रहेगा आपका ड्राइंग स्पेस में। आप देख लीजिए आपने अपना ड्राइंग स्पेस किस तरीके से डेकोरेट करना है, कितने सोफाज उसमें ऐड करने हैं, एंड पीछे का वॉल किस तरीके से डेकोरेट करेंगे ये भी आप सोच लीजिए। ऊपर आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सारी आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। देन यहाँ पे आ जाएगा स्पेस जहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं। ये था वो स्पेस गाइस जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने काफ़ी अच्छा पूजा यूनिट वहाँ पे बनाया था, तो आप भी कुछ वैसा कर सकते हैं, या अगर नहीं भी करना चाहते तो आप सिंपल अपना डाइनिंग टेबल यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ आ जाएगा आपका किचन, फुली मॉडुलर किचन जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था, बस उसमें ये था कि हॉब एंड चिमनी आपका लगा हुआ था एज अ सैम्पल अपार्टमेंट में। तो ये लाइक आपको स्पेस ऐसा कुछ मिलने वाला है जहाँ पे आप अपने अप्लाइंसेस वगैरह सेट कर सकते हैं। ड्यूल सिंक आ जाएगा, विंडो आपका एज इट इज़ रहने वाला है, अपर कैबिनेट्स आपके लोअर कैबिनेट्स, कुकिंग काउंटर पे आपका ग्रेनाइट का वर्क आ जाएगा कंप्लीट। एंड अब चलते हैं रूम्स की तरफ, तो पहले फर्स्ट रूम चेकआउट कराती हूँ। सो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट बेडरूम, इसमें भी आप वॉलपेपर चेंज करा सकते हैं, कुछ इस तरीके का स्पेस रहने वाला है। वॉशरूम अटैच रहेगा जैसे कि आपको एज इट इज वहाँ पे दिखाया था। बालकनी आ जाएगी, बालकनी भी दिखा देती हूँ। ये आ जाएगी आपकी बालकनी, 6 feet वाइड रहेगी, सेम आपका रेलिंग आ जाता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब चलेंगे सेकेंड बेडरूम में। तो गाइस ये आ जाएगा सेकंड बेडरूम हमारा, स्पेस देख लीजिए जैसे कि मैंने आपको सैंपल अपार्टमेंट में दिखाया था, बेड था आपका, साइड टेबल्स भी थे, उसके बाद भी हमारे पास कबर्ड के साइड को मूव करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस बच रहा था। इस साइड वॉशरूम आ जाएगा आपका सारी ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ, यहाँ रहेंगे कबर्ड्स विद स्लाइडिंग डोर, देख लीजिए सेम आपके कबर्ड्स रहने वाले जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाए थे। स्पेस आ जाएगा आपका, कबर्ड के अंदर भी आपका एक कैबिनेट आ जाएगा। एंड ऊपर भी आप इसमें स्पेस देख सकते हैं, फॉल सीलिंग आपका सारा एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पे आ जाएगा आपका विंडो जो यूटिलिटी एरिया के साथ कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे फ्रंट वॉल आ जाएगा जहाँ पे आप अपना LED वगैरह लगा सकते हैं। एंड देन यहाँ पे रहने वाला है आपका मिरर एंड योर ड्रेसिंग टेबल, जहाँ पे नीचे कैबिनेट्स आप देख सकते हैं। ये एज इट इज है गाइस, जैसे कि मैंने आपको सैंपल में दिखाया था, मैंने बोला था कि एज इट इज आपको मिलने वाला है, ये बिल्कुल वैसा ही है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे रहेगा हमारा थर्ड बेडरूम। सो गाइस ये आ जाएगा आपका थर्ड बेडरूम,
तो इसका भी स्पेस देख लीजिए, काफ़ी अच्छा स्पेस है। वॉलपेपर आप चेंज करवा सकते हैं, जैसे कि मैं हर रूम में बोल रही हूँ। और सेम चीज़ें यहाँ पे भी आपकी रहने वाली हैं, जैसे कि मैंने आपको सैंपल में बोला था, ये आपकी चीज़ें जो रहेंगी आपको एज इट इज़ मिलेंगी। वहाँ पे आपने देखा कि बेड भी इंस्टॉल था आपका, साइड टेबल्स भी थे, उसके बाद भी हमारे पास स्पेस था। यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉशरूम विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स। यहाँ कबर्ड्स आ जाएंगे आपके, जैसे कि मैंने आपको सेम दिखाए थे। एंड आफ्टर दिस वो बड़ा सा मिरर यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है, तो ये विद द परचेज आपको मिलेगा। सो गाइस, ये था हमारा थर्ड बेडरूम। इसी के साथ हमारे एक्चुअल अपार्टमेंट का टूर भी कम्प्लीट होता है। अब मैं आपको दोनों दिखा चुकी हूँ, अपार्टमेंट विद फर्नीचर भी, अपार्टमेंट विदाउट फर्नीचर भी, जो आपको एज इट इज़ हैंड ओवर किया जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये डील कब ग्रैब करनी है। गाइस हरियाणा, मैं सच में बोल रही हूँ, इतनी अच्छी डील आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल आपको अपार्टमेंट मिल रहा है एंड काफ़ी प्राइम लोकेशन पे आपको ये मिल रहा है। जरकपुर की पटियाला चंडीगढ़ हाईवे के साथ कनेक्टेड रहेगा एंड ये अपार्टमेंट आपको मिल रहा है 43,90,000 में, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो जल्दी जल्दी कॉल कर लीजिए, स्क्रीन पे आप नंबर देख पा रहे होंगे। हमारी सेल्स टीम आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी अगर आपको और भी कुछ जानना होगा, एंड आपका विजिट भी प्लान कर देगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सुंदर से घर के साथ, कोई और अच्छी सी डील आपके लिए लेकर आऊँगी। टिल देन टाटा बाय बाय।